बीजेपी सांसद का बस एक बयान और अखिलेश के समर्थकों ने वो कर दिया जिसकी भाजपा सांसद को उम्मीद भी ना थी। फिर हुआ ने कहा असली यादव देश के बच्चे सब अखिलेश के, फिर जो हुआ बस पूछिए मत। रोड पर सड़कों पर उतरे यादव और निरहुआ की ऐसी क्लास लगाई कि सब हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बीते दिनों राज्य के यादवों को लेकर एक बयान दिया था जो अब उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। अब यादव समाज निरहुआ के विरोध में सड़कों पर आ गया है और तो और उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं। शुक्रवार को चंदौली के बसाड़ीपुर गाँव और धानापुर इलाके में आजमगढ़ सांसद के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए उनका पुतला बनाकर जला दिया गया। बता दें कि दो दिन पहले वाराणसी से सटे चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वहीं उनके भाषण की एक लाइन जो विवादों का विषय बन गई वह थी असली यादव देश के बचे कुछ अखिलेश की। निरहुआ के इस बयान को लेकर यादव समाज में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले तो लोगों ने निरहुआ को इस बयान को लेकर बेहद गलत करार दिया, उनसे माफी मांगने के लिए कहा है, लेकिन फिर लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। ऐसे में यादव समाज के लोगों ने निरहुआ के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यादव समाज के लोगों ने चंदौली जिले में दो अलग अलग जगहों पर दिनेश लाल यादव निरहुआ का पुतला फूंक दिया है। निरहुआ के यादवों को लेकर बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने बताया है कि पार्टी तरफ से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि निरहुआ को यादव समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, उनके द्वारा कहे गए ये होल निंदनीय हैं। एक सांसद को इस तरह का बयान देना शोभनीय नहीं होता है। यही नहीं, काका ने तो निरहुआ को बीजेपी का गुलाम तक बता दिया है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यादव होकर भी ऐसी बात क्यों कही कि असली यादव देश के बाकी सब अखिलेश के। मतलब अखिलेश यादव के समर्थन में जो यादव समाज है वो असली यादव नहीं है। खैर जो भी हो, निरहुआ के इस बयान ने सियासी पारा चरम पर कर दिया है और यादव समाज जमकर इसका विरोध कर रहा है।